Hi, good morning student. Today we are discuss about the remaining topic of respiratory system. ठीक है, next इसमें discuss करेंगे आप chest injury कि chest के अंदर कोई trauma और accident की वजह से कोई injury हो जाती है तो उसके अंदर क्या क्या होता है वो आज discuss करेंगे. First of अपन discuss करते हैं definition क्या होती है chest injury की. Chest injury can occur as the result of an accident or the penetrating of foreign object into the chest. मतलब chest injury क्या होती है, chest injury can occur इस वजह से हो सकती है कि कोई result होता है किसी वजह से accident हो जाना या कोई penetrating object है, कोई धारदार object है जो chest के अंदर घुस जाता है उसकी वजह से कोई chest के अंदर injury होती है, accident होती है, उसको बोलते हैं chest injury की वो break कर देता है chest को, उसको बोलते हैं अपन chest injury. Cause क्या होता है कि क्या कारण हो सकते हैं चेस्ट इंजरी के वो अपन डिस्कस करेंगे. मेडिकल सर्जरी में आप पढ़ रहे हो तो आपको मेन एक बात होती है उसकी डेफिनेशन होती है, साइंस सिम्टम और मैनेजमेंट है वो मेन इंपॉर्टेंस रखता है एक नर्स के लिए. ठीक है, जब भी आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर मेन फोकस इसी पे किया जाता है कि डेफिनेशन क्या होती है, साइंस सिम्टम और मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कॉज क्या होते हैं. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट कि आप कोई गाड़ी वगैरह में जा रहे हो, व्हीकल वगैरह टच हो गया, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से अगर आपकी चेस्ट के अंदर इंजरी हो गई है. फॉल डाउन, अगर आप हाइट से गिर गए तो आपकी जो रिब्स वगैरह है उसके अंदर, रिब्स वगैरह चेस्ट के अंदर धस चुकी है, इंजरी होना. ऑक्यूपेशन, कहीं भाई आप काम कर रहे हो, आपका व्यवसाय ऐसा है जैसे चेजी वगैरह करते हैं लोग, ऊपर से हाइट से गिर जाते हैं, ऑक्यूपेशनल कोई इंजरी हो गई है. इंस्ट्रूमेंटल, अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते टाइम अगर बाई चांस अंदर से इंस्ट्रूमेंट इंजरी हो चुकी है आपके अंदर. नेक्स्ट है नाइफ इंजरी, कोई मान लो कोई पर्सन है किसी से झगड़ा वगैरह हो गया तो पर्सन ने क्या किया, उसको नाइफ से चेस्ट के अंदर नाइफ डाल दिया, घुसा दिया, उसकी वजह से भी उसको बोलते हैं नाइफ इंजरी. गन शॉट वुंड, अगर किसी ने गन शॉट लग गई है चेस्ट के अंदर, गन शॉट दिया है किसी ने, गन से गोली मार दिया तो वो होता है गन शॉट वुंड. ये थे कॉजेज. इन कॉजेज के बाद जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, हाइट हो गई, ऑक्यूपेशन इंस्ट्रूमेंटल है, नाइफ, ये सारे आप जानते हो. ठीक है, नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम. अब साइन एंड सिम्टम क्या होता है, माइल्ड सिम्टम मतलब जो नॉर्मल सिम्टम होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, नॉर्मल जिनसे इतना इफेक्ट नहीं करता. स्वेलिंग ऑन चेस्ट वॉल, जो चेस्ट की वॉल होती है ठीक है उनमें स्वेल हो जाना, उनके अंदर एडिमा फ्लूड कलेक्शन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना. ठीक है, डिफिकल्टी, अब चेस्ट अफेक्ट है, चेस्ट वॉल अफेक्ट है तो डिफिकल्टी होनी ब्रीथिंग के अंदर. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर लंग्स एक्सपांड नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होनी है. नेक्स्ट है सीवियर सिम्टम क्या होते हैं, कि जो वेरी सीवियरिटी सिम्टम क्या होते हैं, अब्डोमिनल पेन होता है. ठीक है, क्योंकि चेस्ट वगैरह अपनी डिसलोकेट होगी इंजरी की वजह से तो अब्डोमिनल पेन होगा, स्वेलविंग, खाने में डिफिकल्टी होगी निकलने के अंदर, सीवियर डिफिकल्टी ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी. रिप्स रिट्रैक्शन, रिप्स क्या होगी, रिट्रेक्ट का मतलब था रिप्स है वो बाहर की तरफ आ जाना. अब देखो रिट्रैक्शन से मतलब है रिट्रैक्ट है ना, बाहर की तरफ आना. ठीक है, कोई रिप्स क्या होगी, अगर इंजरी होगी पेनिट्रेटिंग, धारदार को इंजरी हुई, कोई तेज धारदार या कोई इसके ऊपर प्रेशर लगा है चेस्ट के, उसके क्या होगा रिप्स है वो रिट्रैक्ट होकर टूट के बाहर आ गई है, तो ये क्या होते हैं सीवियरिटी सिम्टम होते हैं. नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि अपन किस तरह पता लगाते हैं. अब देखो कि पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री देखते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, पास कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं है, वो सारा अपन असिस्ट करते हैं. फिर आता है फिजिकल एग्जाम. अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करते हो आप, स्वेलिंग वगैरह चेक करते हो, उसके वाइटल साइन चेक करते हो, उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी चेक करते हो, हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हो, जो आप फंडामेंटल में पढ़ चुके हो कि हेड टू टो एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, उसके आईज देखते हैं, उसके नेल्स देखते हैं, उसके नोज, ब्रीथिंग है, एयरवे है, एक्सट्रीमिटीज है, लोअर, उसके जो भी एरिया वगैरह हैं, जो भी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट, वो सारा अपन क्या करते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन असिस्ट करते हैं पेशेंट के एजुकेशन में. नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी चेक करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब देखो ईसीजी करते हैं, इससे क्या देखते हैं कि हार्ट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं, ब्लो लगने से हार्ट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पे डिस्प्लेस हुई है, चेस्ट की जो रिप्स वगैरह है, वॉल वगैरह कितनी इफेक्ट है, स्वेलिंग है, ब्रेक कितनी, वो एक्सरे के अंदर अपन पता लगाते हैं. एंजियोग्राफी ब्लड वेसल को चेक करते हैं. कार्डियो मॉनिटरिंग, कार्डियक मॉनिटरिंग इसलिए करते हैं कि चेस्ट इंजरी की वजह से हार्ट को कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए अपन कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट.
ट्रीटमेंट ऑफ चेस्ट इंजरी डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ इंजरी, मतलब जो ट्रीटमेंट होता है चेस्ट इंजरी का, जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी सीवियर है, माइल्ड मॉडरेट है या नॉर्मल है कि इंजरी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन मैनेजमेंट करेंगे। अगर इमरजेंसी अगर सीवियर है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट, अगर मॉडरेट है तो उसके अकॉर्डिंग, और माइल्ड है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और चेस्ट इंजरी का लेवल पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट, ठीक है। जो कि नीचे देगा कोल्ड कंप्रेशन, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप, कोल्ड कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, कोल्ड कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, क्या ब्लीडिंग है, जो ब्लड लॉस हो रहा है पेनिट्रेटिंग की वजह से वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि ब्लड लॉस हो रखा है तो शॉक की कंडीशन आ रही है, प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट को ब्लड चढ़ाएंगे, आईवी फ्लूड देंगे, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूड इंट्रावेनसली फ्लूड इंसर्ट करते हो। नॉन स्टेरॉइड एंटीइंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट करेगी, एनाल्जेसिक फॉर माइल्ड पेन। अब पेशेंट को क्या होगा, इंजरी हो गई है तो इंजरी होगा तो पेशेंट को पेन होगा सीवियरिटी, उसके लिए अपन क्या करेंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे जो क्या करेगी पेन से रिलीव करेगी। नेक्स्ट है नार्कोटिक ड्रग फॉर सीवियर पेन, हम नार्कोटिक ड्रग देंगे अगर माइल्ड पेन है तो एनाल्जेसिक, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग है वो सीवियर पेन को रिड्यूस, सेडेटिव होती है तो क्या करेगी सीवियर पेन को कम करेगी। एंटीपायरेटिक क्या होगी, जो फीवर के अगेंस्ट में काम करेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो उसको डाउन करेगी। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक जो इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के लिए प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट आता है जनरल मेजर, अब जनरल मेजर क्या होता है कि फुल बेड रेस्ट, पेशेंट को क्या करना है फुल्ली बेड रेस्ट देना है पेशेंट को, ये नहीं है उसको चलाओ, फुल्ली बेड रेस्ट देना है, और डीप ब्रीथिंग उसको बोलेंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिससे क्या होगा जो उसकी जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रखी है, जो ब्रीथ रेट अल्टर्ड हो रखी है, वो प्रॉपर एयरवे मेंटेन हो। अब देखो कि जब किसी पेशेंट को इंजरी हो जाती है तो आपका मेन प्रायोरिटी रहती है कि आप उसके एयरवे को क्लियरेंस करो, एयरवे के अंदर डिफिकल्टी आ रही है उसको क्लियर करो, बाद में अदर प्रायोरिटी मैनेजमेंट करो। फर्स्ट ऑफ अपन ये देखते हैं जब अपन कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, जब आप तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी डिफिकल्टी होती है जो ब्रीथिंग एयरवे, उसको पहले असेस करो और उसको मेंटेन करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन ऑफ द पेशेंट, आपको क्या करना है इमिडिएटली असेस करना है वाइटल साइन लेने पेशेंट के, ठीक है, उसकी कंडीशन को असेस करना है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, सर्कुलेशन, उसको सारा असेस करके आपको क्या करना है पेशेंट को कंफर्टेबल पोजिशन जिससे सुटेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन अकॉर्डिंग नीड। अब पेशेंट को देखो, पेशेंट को चेस्ट इंजरी हो रखी है तो आपको क्या करना है उसकी नीड को देखना है, अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। नेक्स्ट है मेंटेन फ्लूड एंड इम्बेलेंस इन द बॉडी। अब आपको क्या करना है अगर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है बॉडी के अंदर तो आपको क्या करना है आईवी फ्लूड एडमिशन करना है। नेक्स्ट है मेंटेन द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट, आपको रेस्पिरेटरी स्टेटस मेंटेन करना है, उसको रेगुलरली चेक करना है, ठीक है, 1 आवरली भी आप 25 मिनट या 15 मिनट से आपको रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करना है पेशेंट को, अगर ऑक्सीजन की नीड है तो उसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन देना है। नेक्स्ट है क्लीन द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अब देखो रेस्पिरेटरी, अगर पेशेंट के एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल है तो आप उसको रिमूव करना है सक्शनिंग के थ्रू, या ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी स्टार्टेड, अब देखो आपको क्या करना है ब्रीथिंग प्रॉपर मेंटेन करने के लिए कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, आपको पेशेंट के मॉनिटर करने है, जैसे TPR है, BP है, सारे आपको असेस करते रहना है, अगर इनमें कोई अल्टरेशन आता है तो आपको उसको मैनेजमेंट करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आपको क्या करना है पेशेंट को प्रिवेंट करना है किसी टाइप के इन्फेक्शन से ताकि उसको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। मेकिंग द मेन्यू प्लानिंग फॉर, आप पेशेंट को लिए खाने के लिए डाइट के लिए मेन्यू प्लान करना है जो उसके लिए सूटेबल हो। फिर है प्रोवाइड द प्रॉपर वेंटिलेशन एंड काम, आपको क्या करना है प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, काम शांतिपूर्वक इन्वायरमेंट हो, ऐसे इन्वायरमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना जिससे उसको इरिटेशन ना हो, चिड़चिड़ाहट वगैरह पेशेंट ना हो। नेक्स्ट प्रोवाइड द ड्रग टू पेशेंट अकॉर्डिंग डॉक्टर, आपको क्या करना है पेशेंट को जो भी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है वो सारी पेशेंट को टाइमली एडमिशन करनी है। नेक्स्ट है मेंटेन द पर्सनल हाइजीन ऑफ पेशेंट, आपको पेशेंट का पर्सनल हाइजीन है कि वो अपनी केयर सेल्फ केयर नहीं कर सकता, आपको उसको हेल्प करनी है, और उसकी जो ओरल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, पेरिनियम हाइजीन, वो सारी क्या करना है मेंटेन करना है। बेड बाथ अगर आवश्यक हो तो बेड बाथ भी आपको दे सकते हैं।
गिव साइकोलॉजी सपोर्ट। अब देखो पेशेंट को इंजरी हो सकी है तो उसको एंजाइटी होगी, तो आपको क्या करना है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, जिससे क्या होगा उसको पेशेंट की फैमिली और पेशेंट क्या है रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करेंगे। नेक्स्ट है गिव हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड हर फैमिली मेंबर। आपको क्या करना है हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को, क्योंकि आपको जो ये कंडीशन है उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे ड्रग्स लेने हैं, कैसे आपको पेशेंट की केयर करनी है, होम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारा आप डॉक्टर उसको एक्सप्लेन करोगे पेशेंट को और उसकी फैमिली में, ताकि उसके पेशेंट की बेटर केयर हो सके। ये था आपका चेस्ट इंजरी रिलेटेड डिसऑर्डर और इसके लिए मैनेजमेंट क्या होता है वो सारा था। नेक्स्ट आता है एटेलेक्टेसिस, मतलब कि एटेलेक्टेसिस डिजीज है, इसका मतलब क्या होता है एटेलेक्टेसिस रेफर टू कोलेप्स और क्लोजर ऑफ एलुलाई। मतलब कि एटेलेक्टेसिस मीन क्या होता है, कोलेप्स का मतलब सिकुड़ना और क्लोज होना, जो एलुलाई होती है आपकी वो उसका क्या हो जाता है सिकुड़ जाती है और क्लोज हो जाती है, उसको बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। मतलब जो लंग्स की एलुलाई है वो उसकी कोलेप्स हो जाती है और सिकुड़ जाती है, उसको बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस में भी एक्यूरेट और क्रोनिक, ठीक है। एटेलेक्टेसिस क्या होता है, एक्यूट हो सकता है इसमें, ठीक है, इसको स्पेलिंग है वो एक्यूट है, और क्रोनिक मतलब सडन भी हो सकता है और लॉन्ग टाइम प्रोसेस भी हो सकती है। अब आता है डेफिनेशन। एटेलेक्टेसिस मे बी डिफाइन एज कोलेप्स ऑफ द एलुआई और क्लोजर ऑफ एलुआई ड्यू टू द पोस्ट ऑपरेटिव सेकेंड और पीपल हु आर इमोबिलाइज और सेलो ब्रीथिंग पैटर्न। मतलब कि एटेलेक्टेसिस में भी डिफाइन, एटेलेक्टेसिस को बताया जाता है कि कोलेप्स जो भी एलुलाई है वो कोलेप्स हो जाती है, सिकुड़ जाती है और क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है एलुलाई ड्यू टू पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव सेकेंडरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और पीपल जो भी इमोबिलाइज पेशेंट है जो बेड से खड़ा नहीं हो सकता, एक्टिविटी नहीं कर सकता ऐसे पेशेंट, और जिसकी सेलो ब्रीथिंग मतलब धीरे धीरे श्वास लेता है रुक रही है आ रही है, ऐसे पर्सन के अंदर क्या होती है एटेलेक्टेसिस कॉज करता है, जो एलुलाई है वो कोलेप्स हो जाती है और क्लोज हो जाती है। मतलब कि जो भी कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है या कोई इमोबिलाइज पर्सन है या कोई सेलो ब्रीथिंग लेना पर्सन है, उसके अंदर क्या होता है जो उसकी एलुलाई है वो लंग्स की वो क्या होती है क्लोज या सिकुड़ जाती है। एटेलेक्टेसिस आल्सो ऑब्जर्व इन पेशेंट विद क्रोनिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दैट ब्लॉक एयर फ्लो टू द एरिया ऑफ लंग्स। अब देखो एटेलेक्टेसिस है वो आल्सो ऑब्जर्व ऐसे पेशेंट में भी ऑब्जर्व किया जाता है जिसके अंदर क्या है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई हार्ड लंबे समय तक एयरवे की रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है पेशेंट में, जो क्या करता है ब्लॉक कर रखा है एयर फ्लो को, एरिया को जो भी लंग्स के अंदर जो भी एयर आती है उसको ब्लॉक कर रखा है आने से, तो ऐसे पर्सन में भी एटेलेक्टेसिस के चांस हो सकते हैं। अब देखो आपकी बॉडी में क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में सर्फेक्टेंट होता है जो लंग एलुलाई को कोलेप्स होने से बचाता है, वो क्या करता है लंग्स की एलुलाई है उसको कोलेप्स नहीं होने देता, सिकुड़ने नहीं देता, प्रिवेंट करता है, वो होता है सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट आता है कोजेज अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, किसी का ब्रीथ को कारण क्या करते हैं ब्रीथिंग पैटर्न अल्टर्ड है, सेलो ब्रीथिंग है, चेन स्मोक ब्रीथिंग है जो आप फंडामेंटल में पढ़ चुके हो, रिटेंड सिक्रेशन, सिक्रेशन है वो एक्यूमुलेट हो रखे हैं, चेस्ट पेन हो रखा है, प्रोलंग सुपाइन पोजिशन में पेशेंट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, अब्डोमिनल प्रेशर लग रहा है, हीमोथोरेक्स न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स मतलब एयर का कलेक्शन होना, हीमो मतलब फ्लूड का कलेक्शन होना, ब्लड का कलेक्ट होना जाना लंग्स के अंदर उसको बोलते हैं थोरेक्स कैविटी के अंदर उसको बोलते हैं हीमोथोरेक्स, और न्यूमोथोरेक्स मतलब एयर कलेक्शन हो जाता है कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, कैविटी के अंदर उसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। फिर आता है हाई ड्राफेमेटिक स्पाइनल डिफॉर्मिटी, किसी को डायफ्राम और स्पाइनल डिफॉर्मिटी है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, इंट्राथोरेसिक, अब इंट्राथोरेसिक जो थोरेसिक कैविटी है आपकी उसके अंदर कोई ट्यूमर वगैरह हो गया तो लंग्स के अंदर प्रॉपर एक्सपांड नहीं हो पाएगा और एलुलाई क्या होगी क्लोज होगी, फाइब्रस फॉर्मेशन, अब किसी डिजीज की वजह से फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से एलुलाई कोलेप्स हो जाएगी, सेरेब्रल इंजरी, किसी को सेरेब्रल इंजरी है तो हाइपोथैलेमस वगैरह है मिडल ऑफ लंग वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी इंपल्स जनरेट नहीं होगी, सेंसेशन नहीं फील होगा तो लंग्स वो एलुलाई वो क्या होगी कोलेप्स हो जाएगी। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। अब एटेलेक्टेसिस के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं वो देखो, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, अब ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा, ब्रीथिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग शॉर्ट आ रही धीरे धीरे आ रहे हैं, टेकीपिनिया हो रहा है, ब्रीथिंग की जो रेट है ब्रीथ रेट वो जल्दी ले रहा है, कफिंग हो रहा है, खांसी आ रही है, स्पूटम प्रोडक्शन कफ के साथ क्या स्पूटम है निकल रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीथलेसनेस, प्रॉपर ब्रीथलेसनेस मतलब ब्रीथ आ ही नहीं रही,
हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी है, साइनोसिस, ब्लू डिस्कलरेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही लंग्स के अंदर, तो क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो साइनोसिस कंडीशन अराइज हो रही है। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू एनी किसी इटियोलॉजी, जो भी अपन ने कारण पढ़े थे ऊपर, उसकी वजह से मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन की, वो क्या होती है, अल्टर्ड होती है, चेंजेस आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर फ्लो क्या होता है, रुकआउट आती है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, रिड्यूस एलुलर वेंटिलेशन। अब एलुलाई का जो वेंटिलेशन है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, और हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, एलुलाई कोलेप्स होगी, सिकुड़ जाएगी, और एटेलेक्टिस है वो टेक प्लेस। कि मतलब क्या होगा, किसी इटियोलॉजिक फैक्टर क्या करेगा, जो रेस्पिरेशन जो मैकेनिज्म है, प्रक्रिया, वो क्या होगी, स्टॉप होगी, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, क्योंकि फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, और रिड्यूस होगी जो एलुलर वेंटिलेशन, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, वो तो वो रिड्यूस होगा, हाइपोक्सिया कंडीशन आएगी। अब हाइपोक्सिया कंडीशन अराइज होने का मतलब है कि एलुलर वो कोलेप्स हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और जिसकी वजह से डिजीज अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। अब पेशेंट हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट हिस्ट्री में क्या देखो, पहले से उसको कोई पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट सर्जरी तो नहीं हुई है चेस्ट की, मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहा, कोई इंजरी वगैरह, कोई ट्रोमा वगैरह तो नहीं है उसको, पेशेंट कोई प्रोलॉन्ग बेड सिटिंग तो नहीं है, वो सारा अपन असेस करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जाम, हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे उसका, देखेंगे चेस्ट का एरिया कोई साइज इंक्रीज तो नहीं है, कहीं पे लोकेशन डिसलोकेट तो नहीं है, उसको हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, उसके वाइटल साइंस सारा देखेंगे, चेस्ट एक्सरे के अंदर चेस्ट की लोकेशन देखेंगे, उसके अंदर कोई फाइब्रस फॉर्मेशन तो नहीं है, थोरेक्स के अंदर कोई इंजरी तो नहीं है, ठीक है, कोई ट्यूमर फॉर्मेशन, वो सारा अपन असेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अब आप क्या करोगे, पल्मोनरी जो फंक्शन है वो सारे असेस करोगे, प्रॉपर लंग्स फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा असेस करेंगे डायग्नोसिस के अंदर, जिससे पता चल जाएगा लंग्स है जो कि एलवेलर है वो कोलेप्स है या नहीं है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या करोगे, फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट, कि आप ड्रग्स से कैसे ट्रीट कर सकते हो, एडमिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप क्या करोगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, क्योंकि पेशेंट को क्या है, ब्रीथलेसनेस है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, तो आप क्या करोगे, 2 से 4 लीटर या 2 से 3 लीटर पर मिनट आप ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हो। सक्शनिंग, अब लंग्स के अंदर सिक्रेशन जमा हुआ है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है एयरवे के अंदर, तो आप क्या करोगे, सिक्रेशन को रिमूव कर लोगे सक्शनिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक जो इंफ्लामेशन, ब्रोंकोडायलेट जो क्या करेंगे, अगर ब्रोंकियस क्या है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट है, तो ब्रोंकियस क्या हो रखे हैं, नेरो हो रखे हैं, ब्रोंकियस नेरो हो रखे हैं, तो आप क्या करोगे, उनको ब्रोंकोडायलेटर देके ब्रोंकियल ड्रग्स क्या करेगी, ब्रोंकिया में एक्शन करेगी और ब्रोंकियस को डायलेट करेगी, नेरोइंग पार्ट को डायलेट करेगी। फिर आता है ओपिओइड ड्रग्स जैसे मॉर्फिन देंगे, वो क्या करेगी, पेशेंट को काम और रिलैक्स करेगी, पेन को रिलीव करेगी, सेडेटिव क्या करेगी, उसको पेशेंट को रिलैक्स फील करवाएगी। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। मतलब आपको क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन देखनी है, बीपी लेना है, वाइटल साइन देना है, उसको सारे असेस करने है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है, उसका हेल्थ डिटेल से चेक करना है, और उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड पोजीशन करनी है, जिससे उसको प्रॉपर पावलर पोजीशन है, देखिए आप क्या कर सकते हो, उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रेस को मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट है इंप्रूव द वेंटिलेशन ऑफ पेशेंट, एंड आपको क्या करना है, पेशेंट का वेंटिलेशन प्रॉपर, हवादार विंडो वगैरह हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूव द सिक्रेशन ऑफ पेशेंट बाय सक्शनिंग, आपको क्या करना है, सिक्रेशन को रिमूव करना है, सक्शनिंग करनी है पेशेंट की, ठीक है, टाइम टू टाइम, जिससे क्या होगा, सिक्रेशन है वो कलेक्ट ना हो लंग्स के अंदर, ठीक है, जिससे क्या होगा, एयरवे मेंटेन होगा और प्रॉपर रेस्पिरेटरी स्टेटस रहेगा पेशेंट का। नेक्स्ट है चेंज द पोजिशन फ्रीक्वेंटली स्पेशली फ्रॉम सुपाइन टू अपराइट पोजिशन, आपको क्या करना है, पेशेंट की पोजिशन चेंज करते रहना है, बार बार सुपाइन टू अपराइट पोजिशन पेशेंट को देते रहना है। नेक्स्ट है इंक्रीज द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग, आपको पेशेंट को बोलना है, इंक्रीज करना है पेशेंट को डीप ब्रीथिंग के लिए, एंड कफिंग टू मोबिलाइज सिक्रेशन, आपको क्या करना है, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग करना है और कफिंग करते रहे, उसको बोला आप खांसते रहो, जिससे क्या होगा, तो मोबिलाइज होगा सिक्रेशन और प्रिवेंट फ्रॉम एक्युमुलेशन, जिससे क्या होगा, मोबिलाइज होगा सिक्रेशन, सिक्रेशन
माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएगा कफिंग के साथ, जिससे क्या होगा जो एक्यूमुलेशन हो रखा था वो एक्यूमुलेशन नहीं होगा, मतलब जैसे भी कप बना सिक्रेशन हुए और कफिंग के साथ बाहर आ गए, जिससे क्या वहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो गए, जिससे क्या होगा रेस्पिरेटरी टेस्ट पेशेंट का मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है एडमिशन द ड्रग अकॉर्डिंग टू फिजिशियन, आपको क्या करना है पेशेंट को जो भी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा दी गई है वो सारी एडमिशन करनी है टाइम टू टाइम, राइट डोज राइट टाइम पे आपको एडमिशन करनी है। नेक्स्ट परफॉर्म द पोस्टरल ड्रेनेज, अब देखो पोस्टरल अगर कफिंग के थ्रू बाहर नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे ट्यूब इंसर्ट करेंगे चेस्ट के टू या थर्ड इंटरकोस या इंटरकोस के अंदर ट्यूब इंसर्ट करके आप लंग्स के जो सिक्रेशन जमा है उस एरिया के अंदर से लंग्स सक्शनिंग है वो मेंटेन कर सके हो पोस्टरल ड्रेनेज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है सक्शन शुड बी डन द रिमूव द सिक्रेशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आप क्या कर सकते हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सक्शनिंग कर सकते हो सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके एटेलेक्टिसिस और चेस्ट इंजरी रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। अब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है, अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डायग्नोसिस क्या बनते हैं। देखो मेन प्रायोरिटी तो अपन देते हैं रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे कंफर्टेबल पोजीशन, देखो सेमी अपराइट पोजीशन दे सकते हो पेशेंट को, फाउलर पोजीशन दे सकते हो, ठीक है। और उसको पेशेंट को इस प्रकार कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कोई ऐसी डाइट मेंटेन करो पेशेंट की, ठीक है। उसको ऐसे क्राउड एरिया में से रिलीव रहने उसको बोलो, जब भी पेशेंट को हेल्थ इंजेक्शन देते तो आप बोलते हैं उसको क्राउड एरिया में ना जाए, ठीक है। जिसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है उसको बोले आप भीड़ वाले एरिया से दूर रहो ताकि आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो, और पेशेंट को बोलो आप ज़्यादा एक्सरसाइज, ठीक है, ज़्यादा वॉकिंग ना करें, जिससे अगर वॉकिंग करें कोई पेशेंट होता है जिसको सांस की दिक्कत होती है वो क्या करें ज़्यादा वॉकिंग कर लेता है तो उसको सांस की डिफिकल्टी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होने लग जाती है, तो आपको उसको हेल्थ इंजेक्शन देना है कि आप ऐसे ऐसे मेंटेन करो। अगर पेशेंट है मान लो कोई पेशेंट है जो बूढ़ा पेशेंट है तो आप उसको बोलेंगे कि आप रोटा कोप है मीटरल डोज इनहेलर है वो सारे यूज़ कर सकते हो, जो आप रोटा कैप वगैरह जो आप देखते हो वो पंप वगैरह होता है उसको बोलते हैं मीटरल डोज इनहेलर या रोटा कैप, जब किसी किसी पेशेंट को आप देखते हो वो सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं ना तब उनको डिफिकल्टी होती है तब वो होता है रोटा कैप, वो मीटरल डोज इनहेलर वगैरह अलग अलग होती है। और आप उसको बोलेंगे कि पेशेंट को बोलेंगे आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो जिससे आपका एयरवे है वो कफिंग वगैरह सारे रिमूव हो जाए और उसको मेंटेन रखे एयरवे को। अब आप क्या इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आती है फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ब्रीथिंग की देनी है, और एक नर्स है वो 2 से 3 लीटर है वो अपने बेसिस पे क्या कर सकती है ऑक्सीजन एडमिशन कर सकती है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। कि फर्स्ट तो आप क्या करोगे एयरवे को मेंटेन करोगे, ये थे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज पोर्शन। आपके एग्ज़ाम भी पास में है तो आप अपने सेल्फ बेसिस पे भी पढ़ते रहें, क्योंकि कोर्स अभी बाकी है तो खुद के बेसिस पे भी थोड़ा पढ़ते रहें सोल्ड पेपर वगैरह से जो भी आपके पास बुक्स वगैरह उनसे, ताकि कोई आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अब पढ़ते रहो, टेस्ट भी आपके एग्जाम भी होने वाला है, टेस्ट भी होने वाले हैं तो आप प्रॉपर पढ़ते रहो। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जैसे म्यूकोलाइटिक ड्रग है, एंटी टिश्यू ड्रग है, ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है, जो भी डायलेट करने वाली ड्रग्स है वो सारी काम आती हैं, मॉर्फिन वगैरह भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक है, ऑक्सीजन थेरेपी है, सक्शनिंग प्रोसेस है, ये सारे करके अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेटरी जो भी सिस्टम है उसको मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट होती है वो होती है 12 से 20 बीट ब्रीथ पर मिनट होती है रेस्पिरेटरी रेट, और सक्शन प्रेशर कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और जो सक्शन है वो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मोर देन 10 सेकेंड करोगे तो पेशेंट को हाइपोक्सिया कंडीशन अराइज हो सकती है, इसलिए आपको क्या करना है
ओनली 10 सेकेंड से ज़्यादा, 10 सेकेंड ही रखना है मिनिमम, 10 सेकेंड उससे ज़्यादा नहीं करना है। थैंक यू।